वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देश की शीर्ष पर्यटन स्थलों के बीच एकता की प्रतिमा प्रतिदिन 30,000 आगंतुकों को प्राप्त करती है। गुजरात के मुख्य सचिव जेएन सिंह और राज्य के प्रधान सचिव पर्यटन एसजे हैदर दोनों ने पिछले कुछ दिनों में 30,000 पर साइट पर दैनिक आगंतुकों की तस्वीर डाली। वरिष्ठ राज्य के अधिकारियों ने 3 दिसंबर को कहा कि गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार पटेल को समर्पित 182 मीटर लंबा मूर्ति देश के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक बन रही है और अब हर दिन करीब 30,000 लोगों को आकर्षित कर रही है। गुजरात के मुख्य सचिव जेएन सिंह और राज्य के प्रधान सचिव पर्यटन एसजे हैदर दोनों ने पिछले कुछ दिनों में 30,000 पर साइट पर दैनिक आगंतुकों की तस्वीर डाली। केवड़िया में सरदार सरोवर बांध पर साधु बेट आइसलेट पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य दूतावास जनरल एडगार्ड कागन ने 3 दिसंबर को स्मारक का दौरा किया। अधिकारियों ने कहा कि कागन ने 153 मीटर की ऊंचाई पर स्थित देखने वाली गैलरी में समय बिताया और सरदार सरोवर बांध के साथ साथ विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रृंखलाओं से पेश किए गए विस्तृत दृश्य में भी लिया। कागन ने यात्रा के बाद कहा, मूर्ति बहुत प्रभावशाली है और मैं इसके निर्माण के पीछे उद्देश्य सीखने में प्रसन्न हूँ। मूर्ति स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में प्रवेश करने के लिए 562 रियासतों को प्राप्त करने में सरदार पटेल की भूमिका को श्रद्धांजलि है। बाद में कागन ने राजपिपला में स्थित एक गैर सरकारी संगठन अभय ग्राम विकास का दौरा किया, जो जनजातीय कल्याण और ग्रामीण विकास के लिए काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर डेली न्यूज़।